फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग बताऊंगी और हैवी साइज का ये सूट है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, तो ये देखिए मैंने इसको किनारी साइड से डबल फोल्ड किया है, यानी कि ये 4 फोल्ड है कपड़ा। तो लेंथ अपने आप हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, और 7 इंच का मैंने इसका शोल्डर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, और यहाँ पर मैं 7.5 इंच के मुट्ठे के निशान लगा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। ये देखिए हमने इस तरीके से मुट्ठे के निशान को लगा लेना है, और यहाँ पर मैं 13 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, फिर मैं 56.5 निशान लगा रही हूँ, यहाँ पेटी का और हिप का जो निशान रहेगा। इसलिए का चेस्ट है 44 इंच, तो वो हम 4 हिस्सों में बांटेंगे, तो 11 इंच आएगा, यानी कि 44 को हमें 4 में डिवाइड करना है। तो पेटी है इसकी 42 इंच, तो फिर वो हम 4 हिस्सों में बांटेंगे, 10.5 आएगा। हिप है 48 इंच, तो 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 12 इंच आएगा। हमारा जो भी नाप है वो हमें 4 हिस्सों में बांटना है, तो वो जो चौथाई का जो एक हिस्सा होगा उसी से हमें नाप लेना है। अगर आप किसी इंसान का नाप ले रहे हो, अगर आप कपड़े का नाप ले रहे हो, सूट का नाप ले रहे हो, तो उसमें से आपको आधा रखना होगा। तो यहाँ 12 इंच के मैंने इसके दामन लिए हैं, और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत करना, मैं इसमें सिलाई भी आपको अच्छे से समझाऊँगी। और 2 इंच के हम यहाँ पर मार्जिन के निशान लगा लेंगे। हिप के यहाँ हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, ऊपर से हमने ये 2 इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ से हम मुट्ठी की गोलाई कर देंगे, तो बाहर वाले निशान पर फ्रेंड्स हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है, और अस्तर भी हम कट करके बताएंगे आपको, स्लिप्स भी कटिंग बताऊंगी करके, या कट लगाएंगे फोल्ड होने के लिए। यहाँ पर चाक रहेगा इसलिए कट लगाया है हमने, और यहाँ पर हमारी फिटिंग की शुरुआत होगी इसलिए कट लगाया है। तो फ्रेंड देखिए, एक पर्थ हम निकाल देंगे, एक पर्थ में हमें आगे साइड के मुट्ठे की छटिंग करनी है, क्योंकि दोनों पर्थ हमने एक साथ कटिंग की थी, इसलिए हमें एक पर्थ की कटिंग करनी होगी। और यहाँ कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि मैंने 4 फोल्ड किया है। बाजू के लिए 16 इंच इसकी लेंथ है, और 3 इंच ऊपर से एक निशान लगाना है, और यहाँ पर मैंने 8 इंच का एक निशान लगाया है, और 8 इंच तक ही हमें इसकी गोलाई लेनी है। तो फ्रेंड्स हैवी साइज़ का सूट है, इसलिए हमें जो इसका मार्जिन है यहाँ पर 3 इंच रखना है, नीचे हमें बराबर 2 इंच ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। बॉटम इसकी 5 इंच है। इंच टेप रखकर हम ऐसे फिटिंग के निशान लगा लेंगे। ये हमने मार्जिन के निशान लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम बाहर वाले निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, स्लिप्स भी हमारी कट चुकी हैं। अब स्लिप्स को हम ओपन कर लेंगे, और आगे वाले हिस्से की 1/2 इंच की हम यहाँ से छटिंग कर देंगे। एक कट का निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे आगे का हिस्सा कौन सा है। ये देखिए मैंने 4 फोल्ड किया है। ये मैंने अस्तर का कपड़ा लगा रही हूँ, जो हमने सूट कटिंग की है, इसी के ऊपर इसको बिछा देंगे, और इसी के बराबर हम इसके अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताती हूँ कि मैंने इसकी स्टिचिंग और गला किस तरीके से बनाया है। देखिए हमें पहले नीचे अस्तर लिया है, उसके ऊपर मैंने ये सूट रख लिया है, और देखिए 6 इंच की चौड़ाई है और 7 इंच की गहराई गले की। मैं इस तरीके से चौक के निशान लगा लूँगी, और हमने अस्तर नीचे रखकर और इस जो सूट है उसको हमने उल्टा रखा है कपड़े को, ताकि सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलटेंगे तो वो हमारा सीधा हो जाएगा। और यहाँ पर हमें बारीक वाली सिलाई लगानी है, सिलाई आपको मोटी नहीं लगानी है। जो मैंने चौक का गले का निशान लगाया है उसी पर हमें सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप बिगर टैटर्न बिगर बुकरम के ये गला बना सकते हो, क्योंकि इसमें अस्तर लगा है, तो अस्तर पे ही ये गला पलट जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इस गले को सिल लिया है, ये गला हमारा सिल चुका है। अब अंदर साइड से हम इसकी छटिंग कर देंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई तक हमें इसकी कटिंग करनी है, और बीच में कहीं कहीं हम इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पलटने के बाद हम इसमें लंबी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये मैंने सिंपल सा गला बनाया है, और इसमें एक हल्का सा डिज़ाइन दिया है, तो मैं आपको बताती हूँ डिज़ाइन मैंने कैसे लगाया है। ये मैंने 3 पट्टियाँ ली हैं, और 3 पट्टियों के तिकोने बनाए हैं, ये देखिए। और इन तिकोनों को मैं यहाँ पर बीच में लगा लूँगी। लगाने के बाद मैं इसको सिलाई से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप गला बना सकते हो बिना बुकरम बिना टैटरोन के, और बहुत ही इजी है और बहुत ही हल्का रहता है, सिंपल गला। तो फ्रेंड्स देखिए, गला हमारा बन चुका है। ये देखिए गले का लुक इस तरीके से आ रहा है। अब हम आपको बैक साइड के गले की कटिंग बताएंगे। ये डबल फोल्ड कर लिया है मैंने, और यहाँ से हम तीरों को इस तरीके से नाप लेंगे, और लंबाई अपने नाप के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इसकी 4 से 5 इंच की लंबाई रखी है। गोलाई में इसको हमने निशान लगा लिए हैं। नीचे मैंने अस्तर लिया है, और ऊपर इसके जो हमारा कपड़ा है वो रख लिया। रखने के बाद हम इसको इस तरीके से निशान लगा जो लगाए हैं उसी पर सिलाई लगा देंगे। तो अब ये देखिए अंदर साइड से हम इसकी कटिंग कर देंगे।
कटिंग करने के बाद हमने कहीं कहीं इसमें कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद देखिए इस कपड़े को हम इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद ये कपड़ा हमारा सीधा हो जाएगा और यहाँ पर हम इसके लब की सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से सिंपल गला बना सकते हो। ये देखिए हमारे पूरे गले की सिलाई लग चुकी है और मैं आपको बताती हूँ बाजू डिज़ाइन की। तो ये देखिए मैंने 4 फोल्ड किया है, यानी कि मैंने ये कपड़ा डबल एक साथ काट रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए 7 इंच पर इस तरीके से 8-8 इंच पर निशान लगा लिए हैं गोलाई के। तो 7 या 8 इंच पर आप लगा लीजिए, आपको जितनी लंबाई रखनी है। लेकिन मैंने 8 इंच पर लगाए थे, लेकिन कटने के बाद ये टोटल 7 इंच ही था। बीच में से हम इसकी कटिंग कर देंगे। खोलने के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है। तो इसके बीच की गोलाई अभी और हम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। ये देखिए मैंने बढ़ा ली है, बीच में से हमने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद ये इस तरीके से लग रहा है। अब इसको हम बाजू में नीचे जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए मैं नीचे इसको सिल रही हूँ। तो इस पट्टी को हम इस तरीके से पूरी इस पर सिल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी जो पट्टी है सिल चुकी है। तो पट्टी सिलने के बाद इसको हम पलटकर यहाँ पर ऊपर साइड में एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी सिलाई पूरी लग चुकी है फ्रेंड्स। तो इस सिंपल बाजू में मैंने एक हल्का सा लुक दिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ये देखिए अस्तर हमने लगा लिया है, इसमें कच्चा कर लिया है। अब यहाँ से हम इसकी शोल्डर को जॉइंट कर देंगे दोनों को। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का शोल्डर भी जॉइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम आपको बाजू लगा कर दिखाएंगे। तो ये देखिए हम इसकी बाजू लगा रहे हैं। आप बाजू को फिटिंग के बाद भी लगा सकते हो, मैंने बाजू को पहले ही लगाया है फिटिंग से पहले। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो में कहाँ से और क्या समझ में नहीं आया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बाजू हमारी लग चुकी है। लगने के बाद ये इस तरीके से दिख रही है। तो देखिए अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो जो हमारे चौक के निशान हैं उसी पर हमें फिटिंग लगानी है। बिल्कुल सिंपल है फिटिंग लगाना। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमें कपड़े को बराबर पकड़ते रहना है और फिर इसकी हम फिटिंग लगा देंगे। तो देखिए फिटिंग हमें वहीं तक लगानी है जहाँ पर हमारे चाक हैं, उसके नीचे फिटिंग नहीं लगानी। यहाँ पर हमारे चाक हैं, अब यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने 4 इंच की पट्टी ली है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया और ये दामन पे मैं इसकी पट्टी लगा रही हूँ। तो देखिए पहले हमें नीचे सूट के दामन को रखना है, उसके ऊपर से पट्टी को रखना है, फिर हम यहाँ पर इसके एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो आगे पीछे दोनों दामन पर हमें इस तरीके से डबल पट्टी लगानी है। हमने ये 4 इंच की पट्टी ली है जो फोल्ड होने के बाद ही हमारी सिलने के बाद 2 इंच की तैयार रहेगी। पट्टी हमारी लग चुकी है, ऊपर से हम इसमें एक पैर की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। तो फ्रेंड्स ये मैं अंदर का जो अस्तर है उसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, ये मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये देखिए दामन हमारा फोल्ड हो चुका है। अब हम आपको इसके चाक फोल्ड करके बताएंगे, इस तरीके से हमें इसके चाक फोल्ड करने हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप सिलाई से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसी की अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स मैंने आपको हैवी साइज सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई है, सिलने के बाद ही कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।